नाउ वी विल सी पोजीशन और लोकेशन ऑफ बूस्टर फैन। अंडरग्राउंड में बूस्टर फैन लगाना ऐसा ही बहुत बड़ा डेंजरस है, तो हमको दो चीज पे बहुत ही कॉशियसली ध्यान रखना होगा। एक तो साइज ऑफ बूस्टर फैन और दूसरा लोकेशन ऑफ बूस्टर फैन। हमको सही जगह में बूस्टर फैन को बैठाना होगा ताकि लीकेजेस का प्रॉब्लम ना हो, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन को टाला जा सके, चांसेस ऑफ फायर होने की जो घटना है उसको रोका जा सके। गलत जगह में बैठा दीजिएगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा और फायर लगना चालू हो जाएगा। तो ये दो चीज को भी ध्यान में रख करके आपको लोकेशन डिसाइड करना है। साइज भी आपको ऐसा डिसाइड करना है कि वो क्रिटिकल प्रेशर डेवलप ना करे। क्रिटिकल प्रेशर डेवलप करता है तो हम न्यूमेरिकल बताए क्या होता है, ये आपको पता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हवा ही जाना बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक ये मेरा माइन है, ये क्या है मेरा माइन है। इस माइन में के मान लो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लिया है ए, इस डिस्ट्रिक्ट ए का मैं वेंटिलेशन इंप्रूव करना चाहता हूं थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन। तो इस डिस्ट्रिक्ट में कोई बोलेगा सर यहां का नहीं बैठाएंगे, यहां का नहीं बैठाएंगे, तो ऐसा चार अल्टरनेटिव पोजीशन लिए। क्या लिए? चार अल्टरनेटिव पोजीशन लिए और हर पोजीशन पे हम देखेंगे कि कहां कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कहां पे प्रॉब्लम नहीं आ रही। जहां नहीं प्रॉब्लम आ रहा वहां बैठाएंगे हम। अब देखते हैं आगे। तो ये इनटेक है आपका और ये रिटर्न है, ये हवा इधर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। इस ये डिस्ट्रिक्ट मेरा ए है, इस डिस्ट्रिक्ट ए में मैं B1 पे बैठा सकता हूं, B2 बैठा सकता हूं, B3 पे बैठा सकता हूं, B4 पे बैठा सकता हूं। ये चार अल्टरनेटिव पोजीशन है और ये आपका न्यूट्रल लाइन है, ठीक है। ये चार पोजीशन, इस चारों पोजीशन को हम देखेंगे और यहां पे आपका इंटेक और रिटर्न के बीच का हम एक प्रेशर डिफरेंस मान लिए हैं। जरूरी इतना रहेगा, कितना मान लिया 100 mm प्रेशर। बूस्टर फैन बैठाने के पहले इन जनरल क्या होता है, अभी मान लो बूस्टर फैन ही नहीं, आपका दिमाग से छोड़ दीजिए, इंटेक का प्रेशर हमेशा अधिक रहता है रिटर्न के प्रेशर से, ठीक है। और ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा रहेगा तो लीकेजेस होगा और लीकेजेस होगा तो स्पॉन्टेनिटिंग का खतरा बढ़ जाता, फायर का खतरा बढ़ जाता है। हम कहीं ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बताएंगे कि 1 kPa से ज्यादा इंटेक और रिटर्न का प्रेशर डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, 1 kPa से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ऐसा बताया होगा, और नहीं बताया तो सुन लीजिए, ठीक है। अब ये हम B1 पोजीशन पे देखते हैं कि मैं यहां पंखा बैठाना चाह रहा हूं। ये पोजीशन कहां है? इंटेक में। ये इंटेक आ रहा है जी, ये इंटेक में है और इस न्यूट्रल लाइन के कहां है? आउट बाय है, बाहर की तरफ। देखिए यही लिखा है, पोजीशन ऑफ बूस्टर फैन इन द इंटेक आउट बाय ऑफ न्यूट्रल लाइन, लिखा ना उतना ही, और कुछ लिखा है? देखिए ये तो ये जो 100 mm का प्रेशर डिफरेंस बताई वो ये वाला हो गया और ये न्यूट्रल लाइन है और उसके बाहर के तरफ मैंने यहां पर क्या बैठा दिया, ये पंखा बैठा दिया। ये क्या बैठा दिया? ये जो इसमें पेन चला रहे क्या है? मेरा पंखा बूस्टर फैन है। इस बूस्टर फैन को बैठा ला तो बूस्टर फैन का अपना भी ना प्रेशर होगा और ऑलरेडी यहाँ प्रेशर डिफरेंस 100 mm का है ये। तो ये जब पंखा मैं बैठा दूंगा तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस आप कहां तक चल जाएगा? ये इतना था, ये कितना हो गया और इतना बढ़ गया। तो ये इंटेक है आपका, इंटेक में क्या हुआ? इंटेक में ना बैठाया है आपने, यहाँ पर इंटेक का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। क्या हो गया? बहुत ज्यादा, एक्से प्रेशर ज्यादा होने से एक्सेसिव लीकेज होगा। कहां से लीकेज कैसे होता? अधिक से कम की ओर। इंटेक में इस B1 पोजीशन पे, इस B1 पोजीशन पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के चलते, इंटेक में बहुत ज्यादा प्रेशर होने के चलते क्या हो गया? अब एक्सेसिव लीकेज होगा इंटेक टू रिटर्न। अब इंटेक टू रिटर्न लीकेज हो जाएगा तो फेसवा में हवा जाएगा ना जाएगा, तो यह पोजिशन ठीक नहीं है, ठीक। आगे बढ़ता है, इससे जब लीकेजेस होगा इंटेक टू रिटर्न की तरफ तो चांसेस ऑफ फायर मतलब चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, अब हम चलते हैं B2 पोजीशन पे। ये भी इंटेक में है, इंटेक में है ना, लेकिन ये न्यूट्रल लाइन के क्या ये इन बाय है। देखिए यहां लिखा होगा
लोकेशन ऑफ बूस्टर फैन इन द इंटेक आउट बाय ऑफ न्यूट्रल लाइन एनएल पर न्यूट्रल लाइन। देखिए ये न्यूट्रल लाइन के अंदर के तरफ हमने इंटेक में ये बूस्टर फैन लगाया, ठीक है, बूस्टर फैन लगा दिया तो बूस्टर फैन का अपना भी ना प्रेशर होगा जिस, और ये प्रेशर डिफरेंस ऑलरेडी यही है तो प्रेशर डिफरेंस अब यहां तक हो गया। तो यहां पर भी क्या हुआ, देखेगा यहां पे हमने ज्यादा बड़ा चित्र बनाया, यहां पे थोड़ा छोटा बनाया, का है इस पोजीशन पे इंटेक का प्रेशर पिछले वाले बीवन पोजीशन की तुलना में कम रहेगा, ठीक है, तो लीकेजेस भी क्या होगा पहले वाले की तुलना में कम लीकेजेस होंगे, लेकिन लीकेजेस होगा। इंटेक में अभी भी ज्यादा प्रेशर है, यहां बहुत ज्यादा था, यहां अभी भी ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा इंटेक टू रिटर्न में एयर लीकेज करेगा। अब यहां पर बहुत ज्यादा फायर के चांसेस नहीं होंगे तो सम चांसेस ऑफ फायर रहेंगे, मतलब कुछ चांसेस अभी भी फायर लगने के है, तो ये भी पोजीशन मतलब आपका B2 भी गड़बड़ है, तो B2 गड़बड़ है तो हम कहां आएंगे B3 पे देख लेते और फिर B4 पे देखते हैं, ठीक है, तो हम फिगर बनाते हैं। देखिए अब हम कहां बैठाल रहे पंखा, हम पंखा बैठाल रहे B3 पे बैठाल के देख रहे हैं पोजीशन हम बूस्टर फैन इन द रिटर्न इन बाय ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के क्या है इन बाय मैन अंदर की तरफ है, ठीक है, ये B3 पे मैंने फैन बैठा दिया, बूस्टर फैन बैठाया, तो ये जो ऑलरेडी प्रेशर बूस्टर फैन के पहले भी था वो अभी भी है, और यहां बैठा है तो बूस्टर फैन का अपना प्रेशर होगा, तो बूस्टर फैन का अपना प्रेशर होने से यहां बैठा दिया तो ये कहां तक चले गया प्रेशर, यहां तक चले गया, कहां तक चले गया, यहां तक चले गया, मतलब इस पोजिशन में क्या हुआ कि रिटर्न का प्रेशर जो है अधिक हो गया, क्या हुआ रिटर्न का प्रेशर अधिक हो गया, और रिटर्न का प्रेशर अधिक होने से देखिए यहां से यहां तक दिखा रहा है आपका ये इंटेक है और ये आपका रिटर्न है, ये रिटर्न का प्रेशर कहां तक पहुंच गया, यहां तक, मतलब रिटर्न का प्रेशर बढ़ गया, और जब रिटर्न का प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ रिटर्न से लेके रिटर्न से इंटेक के तरफ लीकेजेस होगा, उसको क्या बोलते हैं रिसर्कुलेशन ऑफ एयर। ये इधर से हवा आ रहा था, इधर से बाहर निकल रहा था, अब ये बाहर ना निकल के ये वाला ये B3 से कहां चले गया डिस्ट्रिक्ट में फिर चले गया, और ये सबसे खराब पोजीशन, क्योंकि यहां दो प्रॉब्लम होगा, रिसर्कुलेशन ऑफ एयर है, एक तो आपको हवा शुद्ध मिलना चाहिए अशुद्ध मिल रहा, दूसरा यहां पर चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्या होगा रिसर्कुलेशन ऑफ एयर तो हो ही रहा है जो कि आपको नहीं होना चाहिए, जो कि आपको शुद्ध हवा चाहिए तो अशुद्ध हवा मिल ही रहा है, मिल जाएगा। दूसरा बात कि जो आपने गैसेस था डिस्ट्रिक्ट का इंटरनल गैसेस जो हल्का फुल्का था वो रिटर्न से बाहर सरफेस पे जा रहा था, अब उसको फिर से ले लिया तो यहां कंसंट्रेशन क्या होगा इंटरनल गैस का बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये सबसे खराब पोजिशन हुआ B3, B1, B2 तो खराब था ही था, B3 भी खराब है, तो अब देख लेते B4 क्या बोलता है। अब हम सोचते यहां बैठाते हैं, ये भी रिटर्न में ही है लेकिन इस न्यूट्रल लाइन के क्या है आउट बाय में, देखिए लिखा बूस्टर फैन इन द रिटर्न आउट बाय ऑफ न्यूट्रल लाइन, तो ये B4 पे बैठा के देखे, देखिए अब B4 पे हमने पंखा बैठाया, बैठाया तो प्रेशर यहां तक गया, रिटर्न को क्रॉस किया, इंटेक को क्रॉस किया क्या है, देखिए यहां पे B3 में इस इंटेक वाले प्रेशर ग्रेडियंट को क्रॉस कर दिया था, ऊपर पहुंच गया था, तो वो रेट लीकेज कर, यहां पर भी हल्का फुल्का लीकेज होगा, ये नहीं बोला कि यह लीकेज नहीं होगा क्योंकि यहां पे भी रिटर्न का प्रेशर अधिक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा लीकेज होगा। तो अब हम यहां क्या करेंगे, इस B4 पर बैठा लेंगे तो हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है इंटेक और रिटर्न में, इस पॉइंट पे कितना डिफरेंस आ रहा है, जितना डिफरेंस आ रहा उतना ही डिफरेंस का एक बूस्टर फैन हम बैठा देंगे। अब उतने डिफरेंस का बैठाएंगे तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो जो न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं वो क्या है बूस्टर फैन लगाने के बाद का चीज है, वो बूस्टर फैन के पहले कोई न्यूट्रल, बूस्टर फैन लगाने के पहले कोई वेंटिलेशन सर्किट में न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल लाइन जैसी कोई चीज
नहीं होती है। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनटेक एंड रिटर्न इज जीरो, सच पोजीशन इन द वेंटिलेशन सर्किट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। हमको कहां में ढालना रहता है, न्यूट्रल पॉइंट पे, ये आइडियल पोजीशन है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट के हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर में बाहर के तरफ बैठाते हैं, ठीक, क्योंकि न्यूट्रल लाइन जो है शिफ्ट होते रहता है। तो न्यूट्रल लाइन भी अपने आप में कोई चीज नहीं है, बूस्टर पॉइंट लगेगा तब की बात है, बाकी केस में न्यूट्रल लाइन नहीं होता, ठीक है। बूस्टर फैन की बात आएगी तब ही आएगा, क्योंकि बूस्टर फैन लगाने के बाद का ये होता है सिचुएशन, ठीक है। और हम सर्वे करते हैं, सर्वे करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं कि सबसे कम कहां प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, उस जगह को चूज करते हैं। और जितना इंटेक और रिटर्न के बीच में प्रेशर डिफरेंस है उतने ही साइज का हम एक बूस्टर फैन लगा देते हैं, ताकि प्रेशर डिफरेंस दोनों का जीरो हो जाए। तो लीकेज ना इंटेक से रिटर्न की तरफ होगा, ना इंटेक से रिटर्न, ना रिटर्न से इंटेक की तरफ होगा, कहीं लीकेजेस नहीं होगा, स्मूथली चलेगा आपका बूस्टर फैन, ठीक है। तो समझ आया होगा आपको, हम कोशिश किए हैं समझाने का आप लोग को, ये बड़ा डिफिकल्ट चीज है।